हेलो दोस्तों, देखो फिर सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूँ विश्व। तो अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एज पे कुछ सर्च करते हैं और आप चाहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एज उसकी रीडिंग आपके लिए लगाए, तो ये फंक्शन भी माइक्रोसॉफ्ट एज में अवेलेबल है। इसको हम बोलते हैं रीड अलाउड। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे इस फंक्शन को इनेबल करते हैं, कैसे यूज करते हैं। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि माइक्रोसॉफ्ट एज पे मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोज बना चुका हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाकर के वो सारे वीडियोज देख सकते हैं। बेसिकली नॉर्मल यूसेज है माइक्रोसॉफ्ट एज के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज का पेज जो है वो ओपन है और यहाँ पर मैंने आईफिल टावर सर्च किया हुआ है। ये है आईफिल टावर का विकिपीडिया, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ कि माइक्रोसॉफ्ट एज जो है वो इसकी रीडिंग मेरे लिए लगाए, तो उसके लिए मुझे कहाँ जाना होगा? ये देखिए, राइट हैंड साइड में यहाँ पर थ्री डॉट्स दिख रहे हैं आपको। ठीक है, ये रहे थ्री डॉट्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो नीचे एक ड्रॉप डाउन ओपन होगा और यहाँ पर देखिए वो रहा फंक्शन रीड अलाउड का। अभी वीडियो स्किप मत करिएगा क्योंकि अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस पर लैंग्वेज कैसे चेंज करते हैं। ठीक है, तो ये देखिए रीड अलाउड का फंक्शन आपको यहाँ पर दिख रहा है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए ऊपर की साइड में, मैं इसको अभी थोड़ी देर के लिए पॉज कर रहा हूँ। ये देखिए, ये रहा वो फंक्शन यहाँ पर ओपन, यहाँ पर दिख रहा है आपको, और इसने रीडिंग लगाना शुरू कर दिया है। ठीक है, जब मैं इसको ओपन करूंगा, मतलब ऑन करूंगा, इसने रीडिंग लगाना शुरू कर दिया। From Wikipedia, the free encyclopedia. फिलहाल इसको मैं यहाँ पे पॉज कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखिए राइट हैंड साइड में ये रहा ऑप्शन, ठीक है, वॉइस ऑप्शन। इस पर क्लिक कर दीजिए तो ये आप स्पीड, पहले तो आप स्पीड यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, कम या ज्यादा कर सकते हैं, स्लो कर देंगे, या अगर आप चाहते हैं और जल्दी जल्दी पढ़े आपके लिए तो इसको बढ़ा सकते हैं यहाँ से। और ये रहा चूज अ वॉइस, ठीक है, इस पर आप क्लिक करिए तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। अगर इंग्लिश में ही आप जेंडर चेंज करना चाहते हैं तो ये माइक्रोसॉफ्ट रवि आपके लिए पढ़ देगा, अभी फिलहाल माइक्रोसॉफ्ट हीरा आपके लिए पढ़ रही है। या यूनाइटेड स्टेट में की इंग्लिश अगर आप लेना चाहते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट डेविड आपके लिए रीडिंग लगा देंगे। जर्मनी है, तमिल है, हिंदी है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत ऑप्शन आपके पास यहाँ पर है, जो ऑप्शन आप यूज़ करना चाहें वो ऑप्शन आप यहाँ से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एज में रीड अलाउड फंक्शन।